एलियंस कहाँ पर है? एलियंस कौन से प्लेनेट पे है? एलियंस कितनी दूर रहता है? एलियंस हमें उसके घर पे जाके खाना खाना है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एलियंस के अंदर, चाहे वो अपनी दुनिया के अंदर कितने जानवर मौजूद हैं उनके अंदर दिलचस्पी नहीं रहेगी कि समुद्र के अंदर किस किस टाइप के जानवर रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें पता ही नहीं कि भाई ये तरीके का भी प्राणी होता है इस दुनिया के अंदर। लेकिन हाँ, एक हरे रंग वाला बंदा जो कि तीन उंगलियों वाला होता है, बड़ा सा सर होता है ऐसा जैसा हमने इमेजिन कर रखा है, सो उसके बारे में जानने की दिलचस्पी ज़रूर रहती है। और यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई एलियन कितनी दूर हो सकते हैं, कौन से प्लेनेट पे हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक नई स्टडी सामने आई है। और हाल ही में आपने देखा होगा गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी एक बात कही थी कि भैया गुजरात के अंदर कुछ अननेचुरल लाइट्स देखने को मिली हैं जो कि UFO कह दी गई हैं, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि मतलब क्या थे वो क्या नहीं थे, लेकिन हाँ कई सारी लाइटें चमक रही थी, तो उनको देखकर ये कहा गया कि ये शायद UFO हो सकता है, जैसे एलियन शिप कहा जाती है तो उस टाइप का कह दिया गया था। लेकिन उसके बाद में कहा गया ये मिट्योर भी हो सकते हैं जो कि जैसे ही धरती के एटमॉस्फेयर में घुसे और वहीं पर जल गए, तो उनकी ये लाइट हो सकती है जिनको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, या फिर ये सैटेलाइट भी हो सकती हैं जो कि सैटेलाइट घूमती रहती हैं। आजकल तो एलोन मस्क की भी सैटेलाइट बहुत सारी घूम रही हैं और इसी के साथ साथ कई ऐसी सैटेलाइट हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करने में लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर स्टारलिंक की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है इस वक्त में, सो उनका भी हो सकता है, लेकिन वो शायद इस तरीके से काम नहीं करती। सो यहाँ पर मिट्योर का ज़्यादा इस पर कहा जा रहा है कि ये वो हो सकता है। सो यहाँ पर एक स्टडी सामने आई है जो ये बताती है कि भैया एलियन अगर है भी तो वो एटलीस्ट 300 लाइट ईयर्स दूर के किसी प्लेनेट पे हो सकते हैं। उससे पास तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये उससे पास हो सकते हैं, क्योंकि अगर उससे पास होते तो शायद हमें मालूम चल भी जाता। लेकिन इसी स्टडी के अंदर जो कि जर्नल नेचर ने पब्लिश करी है, उसके अंदर बताया जाता है कि भैया ऐसे 1715 स्टार आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि 300 लाइट ईयर दूर ही हैं, और ये शायद एलियन वाले प्लैनेट हो सकते हैं जो कि मे बी कई सालों से हमें देख भी रहे होंगे। और ये दूर इतना ज़्यादा है ना कि अगर हम भी चलो इस पे देखते हैं तो ये 300 साल पीछे की चीज़ें हमें देखेंगे। क्योंकि अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई प्लेनेट 8 लाइट ईयर्स दूर है तो मतलब कि हम 8 साल पुराना प्लेनेट देख रहे हैं वो, क्योंकि उसकी लाइट को ट्रैवल होने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, और टेलीस्कोप से अगर हम चलो मतलब इतना पावरफुल है भी और देख रहे हैं एक बार में ही, सो यहाँ पर हम उसको पुराने वाले को देख रहे हैं, हम करेंटली क्या चल रहा है वो नहीं देख रहे हैं। और यहीं पर ये 300 लाइट ईयर्स दूर वाले जितने भी प्लेनेट हैं वो अगर हमको देख रहे हैं और वहाँ पर अगर एलियन वगैरह हो भी सकते हैं, सो वो अभी के पृथ्वी को नहीं देख रहे हैं, वो करीबन 1721 के साल को देख रहे हैं, उस वक्त में जो जो चीज़ें हो रही थी वो उस वक्त को देख रहे हैं। मतलब कि हमारे बाप दादा, हम पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त में, वो उस पृथ्वी को देख रहे हैं और उस वक्त को देख रहे हैं जब गधा घोड़ा घोड़ा गाड़ी ये सब चला करते थे। अब इसी तरीके से अगर कोई स्टार करीबन 66 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है तो मतलब कि वो उस वक्त में मतलब वहीं से अगर देख रहा है वो टेलीस्कोप से, सो उसको डायनासोर दिख रहे हैं, हम तो हुए ही नहीं पैदा। सो यहाँ पर ये जो करीबन 1715 स्टार्स को आइडेंटिफाई किया गया है, कहा जा रहा है ये अगर चलो हमें देख भी रहे होंगे ना तो करीबन 5000 सालों से देख रहे होंगे हमको। मतलब कि जिस तरीके से हम आसमान में स्टार्स वगैरह देखते हैं खुले में, जब भी हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं और हम स्टार्स को देखते हैं, क्योंकि आजकल सिटीज़ के अंदर तो स्टार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं देखने, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन हाँ जब आप किसी कंट्री साइड पर जाते हो सब वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्टार वगैरह बहुत ही अच्छे क्लियर, क्योंकि आसमान काफ़ी ज़्यादा साफ रहता है, वहाँ पर आपको क्लियर व्यू दिखता है, सो वहाँ पर स्टार वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया दिखते हैं। तो वही चीज़ वो भी देख रहे होंगे, अगर एलियन हुए भी कहीं पर दूर तो हम भी उनके लिए स्टार ही हैं, सो वो कुछ उस तरीके से देखते होंगे। ऐसा नहीं कि हमें एग्जैक्टली देख रहे होंगे कि भैया एक बंदा इधर से उधर जा रहा है, इधर से टाइटैनिक डूब रहा है, ये सब चीज़ें नहीं देख रहे होंगे वो, बस उनको भी एक लाइट ही दिख रही होगी। तो इस तरीके का प्लैनेट वो भी देख रहे होंगे जिस तरीके से हम किसी स्टार को देखते हैं। सो ये चीज़ है इस स्टडी के अंदर, ये नहीं पता कि हाँ भाई एलियन उधर होंगे ही होंगे, बस ये कह दिया गया है कि हाँ इतनी दूरी पर जितने भी प्लैनेट हैं उन पर एलियन वगैरह अगर हुए तो वो 5000 सालों से हमको देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ पिछले साल भी एक कॉर्नल यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये पाया गया था कि करीबन
1000 ऐसे स्टार लोकेट किए गए हैं जो कि अर्थ के ट्रांजिट जोन के पास में, जिसको स्वीट स्पॉट भी कहा जाता है, तो शायद वहाँ पर भी कुछ चांसेस हैं कि वहाँ पर एलियन वगैरह हो सकते हैं जो कि हमको देखते होंगे। अब हमको क्या देखते होंगे, वो बस एक स्टार टाइप का ही देखते होंगे। हाँ, अगर कोई बहुत ही तगड़ा वाला एलियन होगा, मतलब बहुत ही समझदार होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला टाइप का होगा, सो वो शायद लगा ले कुछ अंदाजे वगैरह। सो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस स्टडी के अंदर इतना ही बताया गया है कि इस दूरी पर अगर ये जो प्लैनेट हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये हो सकते हैं कि इनके अंदर एलियन वगैरह मौजूद होंगे, जो कि हमको शायद देखते भी होंगे जिस तरीके से हम स्टार वगैरह को देखते होंगे। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने बताया कि भैया बिल्कुल ही देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है दुनिया में सैटेलाइट पे से, जैसे सब स्पाई कर रहे होते हैं एक दूसरे की कंट्री को, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। हाँ, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ पर हो सकते हैं। तो खैर चलो, इतनी दूरी तक तो पहुँचे और आने वाले सालों में देखो क्या क्या और सुनने को मिलता है एलियन के बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मेरी वीडियो डाली भी है। We'll be right back.